वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अस्पताल में डॉक्टरों से सपा की नेत्रियों से झड़प। संगम नगरी प्रयागराज के सबसे बड़े अस्पताल SRN अस्पताल में डॉक्टरों पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की से मिलने सपा नेत्रियां पहुंची। सपा नेत्रियों ने पीड़ित लड़की से उस बात करके उसे इंसाफ दिलाने की बात कही। इस दौरान पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर सपा नेत्रियों को वहां से जाने को कह रहा था। सपा नेताओं ऋचा सिंह और मंजू पाठक ने मरीजों के क्रिटिकल वार्ड में हंगामा किया तो डॉक्टरों ने आपत्ति की। इस पर सपा नेत्रियों की डॉक्टर से जमकर झड़प हुई। इसके बाद बड़ी मुश्किल से सपा नेत्रियों को वार्ड से हटाया गया। मुझे पेशेंट देख तक नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपसे अपील है कि उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की बेटियां बड़ी असुरक्षित हैं। इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज में एक 20-21 साल की लड़की मिर्जापुर से जो कि आकर भर्ती हुई आपकी समस्या को लेकर, और जब उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है तो वहां से निकलने के बाद बच्ची जो कि बोलने की हालत में नहीं है, वो बच्ची लिख कर ये बताती अपने घर वालों को कि मेरे साथ अंदर मोलेस्टेशन किया गया। और मोलेस्टेशन के दौरान वो ये तक बताती है कि अंदर कौन कौन लोग मौजूद है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटियां सड़क और स्कूल में तो कभी सुरक्षित थी ही नहीं आपका रामराज जाने के बाद, लेकिन अब वो अस्पताल में मरती हुई हालत में भी असुरक्षित हो गई। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश को कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन खत्म हो गया है। धारा 154 CRPC ये कहती है कि पुलिस को अगर कोई भी तहरीर दिया जाएगा तो उस पुलिस को उस तहरीर को दर्ज करना होगा, लेकिन अभी तक बच्ची के परिवार वालों ने तहरीर दी, 3 घंटे कोतवाली में जाकर बैठे रहे, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं की। सवाल इस बात का है कि मामले की लीपापोती कैसे की जाए, इसके लिए जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन, सुना है कि CMO जो कि समाचार पत्र से ज्ञात हुआ है कि CMO महोदय ने और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय ने जांच कमेटी बना दी। मैं पूछना चाहती हूँ इस देश की जनता से कि क्या आरोपी स्वयं अपनी जांच करता है? जांच करने का अधिकार पुलिस के पास है, ना मेरे पास है ना किसी और आम जनता के पास है। जांच करने का अधिकार पुलिस को होता है, तो जांच कमेटी गठित करने का अधिकार CMO और प्रिंसिपल के पास कहां से आया? किस लीगल पावर के तहत उन्होंने जांच कमेटी गठित कर दी और कौन सी लीगल पावर के तहत वो जांच कर रहे हैं और उनकी जांच की क्या ऑथेंटिसिटी है? मैं इस पूरी जांच के ऊपर सवाल खड़ा करती हूं। और इस पूरी जांच कमेटी जो कि सबूतों को मिटाने के लिए बनाई गई है, और पुलिस मुझे नहीं पता कि किस दबाव में है कि उसने FIR तक दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट और विशाखा गाइडलाइन ये कहती है कि कोई भी लड़की अगर आरोप लगाएगी तो FIR दर्ज होना चाहिए, और हम भी कहते हैं कि क्या सच है ये बाहर निकल कर आना चाहिए। अगर आरोपी कोई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप FIR ही नहीं दर्ज करेंगे तो उसका जांच ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही दुख की बात है। मैं बहुत दुख से इस बात को कह रही हूँ कि हम लड़कियां अब अस्पतालों तक में सुरक्षित नहीं है, हम मरते हुए सुरक्षित नहीं है, हम मरते रहेंगे और हमको मोलेस्ट किया जाता रहेगा। ये है उत्तर प्रदेश का शासन, और उत्तर प्रदेश की पुलिस किस कदर मुंह दर्शक बनी हुई है कि वो FIR तक नहीं दर्ज करेगी। हम लोग यहाँ पर आए, डॉक्टर्स लगातार बच्ची के परिवार के साथ और लगातार दबाव बना रहे हैं, उनको बार बार चिल्लाया जाता है जब अकेला पाया जाता है। अभी भी डॉक्टर्स ने हम लोगों को बताने की कोशिश की कि ये हमारी जगह,
हम आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि ये किसी की जगह नहीं है, ये एक सरकारी अस्पताल है और इस सरकारी अस्पताल में ये मरीजों का सरकारी अस्पताल है, किसी डॉक्टर की जागीर और किसी की बकौती नहीं है। सबसे पहले तो डॉक्टरों को ये समझना, आखिर क्या कारण है कि देश का आम आदमी अस्पताल में भी जूझ रहा है। हम कार्रवाई की मांग करते हैं, जो उस बच्ची का लिखा हुआ कागज है जो उसने अभी अभी लिखा है, और ऐसे ही बयान को बार बार देना चाहते हैं लेकिन दिया है। राजनीति भी क्या कुछ नहीं करवाने लगती है, इसका एक नज़ारा पेश कर दिया गया प्रयागराज में। सपा की कुछ महिला नेताओं ने, जिनको यह तक नहीं समझ आ रहा है कि क्रिटिकल वार्ड में घूमना और वहां हंगामा करना कहीं से भी उचित नहीं होता है, फिर भी यह दोनों महिला नेता क्रिटिकल वार्ड में घुसकर हंगामे की स्थिति खड़ी कर दी। दरअसल अपनी जमीन तलाशने के चक्कर में नेता किसी भी हद तक उतर जाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जांच टीम बना दी गई है जो कि जांच कर रही है। इसी बात को लेकर दोनों सपा नेता उस लड़की से मिलने अस्पताल पहुंच गई और वहां हंगामा खड़ा हो गया। अब उस हंगामे और झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।